हेलो स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 5 पॉइंट कर रहे हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 12th, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने दिए थे, उसके आगे नेक्स्ट 11 तक मैंने करवा दिए थे आपको। 12th क्वेश्चन है कि एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। जो 12 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें हमें क्या करना है, डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो इसमें हम डी वाई डी एक्स करने के लिए इसको अलग अलग लेट कर लेंगे। मान लिया, माना इसको हमने W मान लिया, बाकी मानने की जरूरत नहीं, इसको वानी कह लो आप, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स 1, 1 का करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 0। सो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ये दोनों रिजल्ट हम यहाँ पर निकाल कर रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जो स्टूडेंट वो ज्ञात करेंगे। तो u बराबर x की पावर y, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर सो लॉग u बराबर लॉग x की पावर y, तो y आगे आ जाएगा, y गुना में लॉग x, लॉग u। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का करेंगे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन u बराबर, ये दोनों गुणा में हैं तो गुणा वाला का कैसे करते हैं हम, y सेम log x का करेंगे 1 बाई एक्स प्लस log x सेम y का करेंगे तो d बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे 1 बाई यू, यू का किए नहीं, डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, u इधर गुणा में आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, जो पावर थी वो आगे आ गई थी, दोनों गुणा में थे तो गुणा वाला फॉर्मेशन लगा दिया, एक सेम रह गया लॉग एक्स का अवकलन कर दिया, प्लस लॉग एक्स सेम रह गया y का अवकलन कर दिया, यानी डी वाई डी एक्स। तो ये तो आ गया हमारा डी यू और डी एक्स, और यहाँ पर हम u का मान रख लेंगे जो कि क्या है, x की पावर y है, तो इसके लिए तो मान आ गया। अब v से सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू y की पावर x, दोनों तरफ log लेने पर, सो log v इक्वल log y की पावर x, पावर यहाँ से आगे आ जाएगी x गुणा में log y, अब ये दोनों गुणा में हैं, यहाँ से करेंगे log का 1 अपॉन v, v का अवकलन dv ओवर dx, गुणा में है तो x सेम, लॉग का करेंगे 1 अपॉन वाई, वाई का करेंगे डी वाई डी एक्स गुणा में आ गया, प्लस लॉग वाई सेम एक्स का करेंगे तो आ जाएगा 1, वी डिवाइड में इधर भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, वी इधर जाएगा तो वाई की पावर एक्स, एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया हमारा डी वी ओवर डी एक्स, ये दोनों मान हम डी यू डी एक्स और इसका यहाँ रख देंगे, इसके साथ साथ इसका गुणा भी कर देंगे, तो समीकरण इसको एक कह लेते हैं, ये 2, इसको 3, समीकरण एक में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर, बाकी सीधे लिख दो समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, इसका अंदर गुणा करके रख देते हैं, x की पावर y, y अपॉन x प्लस x की पावर y log x गुणा में डी वाई डी एक्स, प्लस में इसका मान रखेंगे तो y की पावर x गुणा में x अपॉन y डी वाई डी एक्स प्लस y की पावर x log y इक्वल में क्या है, 0 स्टूडेंट्स। तो हमें डी वाई डी एक्स निकालना था, तो इसमें से और इसमें से हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, जैसे ही हम डी वाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास डी एक्स आ जाएगा, और इन दोनों रिजल्ट्स को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये दूसरी तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। इधर क्या रह गया,
डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया यहाँ से, तो ये रह गया एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स गुणा में एक्स अपॉन वाई, ये रह गया इक्वल में, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स की पावर वाई अपॉन वाई एक्स माइनस, ये भी दूसरी साइड जाएगा वाई की पावर एक्स लॉग वाई। सो डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये सारा भाग में चला जाएगा इसके, माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस कॉमन ले लेते हैं, चलो वाई की पावर एक्स लॉग वाई अपॉन में एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स इंटू में एक्स अपॉन वाई। यहाँ पर ऊपर आप एक्स लघुत्तम में ले सकते हैं और यहाँ पर आप वाई लघुत्तम ले सकते हैं, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में माइनस के वाई, ये लघुत्तम लेने पर वाई ऊपर चला जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर वाई गुणा में वाई प्लस यहाँ पे एक्स लघुत्तम लिया तो एक्स वाई की पावर एक्स लॉग वाई अपॉन में, यहाँ पर आपके एक्स आ जाएगा जो यहाँ पे आपने लघुत्तम लिया वो नीचे आ जाएगा, यहाँ आपने वाई लघुत्तम लिया था तो वाई एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स गुणा में एक्स ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल डी वाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में भी हमें डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है। क्वेश्चन है y की पावर x और x की पावर y, तो इधर हमारे लिए कोई प्लस माइनस वाला सीन तो है नहीं स्टूडेंट्स, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं क्योंकि फलन के ऊपर फलन तो दोनों तरफ ही है, अगर प्लस माइनस में होते तो कुछ सोचते तो वैसे हमें मान कर करना पड़ता, लेकिन अब आप दोनों तरफ डायरेक्ट ही लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो यह लॉग की पावर वाई लॉग वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर वाई, तो यहाँ पर ये पावर आगे आ जाएगी एक्स लॉग वाई बराबर वाई लॉग एक्स, इधर भी ये गुणा में और इधर भी ये गुणा में है, तो गुणा वाला नियम से करेंगे, इधर भी गुणा वाला नियम और इधर भी एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो गुणा में तो x सेम log का करेंगे 1 अपॉन y, फिर y का करेंगे dy dx प्लस log y सेम x का करेंगे 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी y सेम log x का करेंगे 1 बाई एक्स प्लस log x सेम y का करेंगे dy dx, एक सेम रखना है दूसरे का अवकलन करना है और बीच में प्लस तो आएगा ही, अब dy dx इसमें और इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो इनको एक तरफ कर लेते हैं, dy dx वाले एक तरफ एक्स अपॉन वाई डी वाई डी एक्स माइनस, वो इधर आएंगे तो माइनस के लॉग एक्स गुणा में डी वाई डी एक्स इक्वल वाई अपॉन एक्स, ये हो गया ये इधर जाएगा माइनस के लॉग वाई, यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स, यहाँ पे हम वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई, यहाँ पे एक्स का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स यहाँ आ जाएगा और एक्स यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे किसका वाई का, तो वाई का लघुत्तम लिया तो वाई यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, अब डी वाई डी एक्स, तो ये भाग वाला तो गुणा में चला जाएगा यानी वाई वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन में ये एक्स, ये जो गुणा वाला ये भाग में आ जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स डी वाई डी एक्स आ गया, इनमें हमें डी वाई डी एक्स ही ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 14, कोस एक्स की पावर वाई और कोस वाई की पावर होल पावर एक्स, ये भी सेम है कोस एक्स के होल पावर वाई और कोस वाई की होल पावर एक्स है, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा लॉग कोस एक्स की पावर वाई लॉग कोस वाई की होल पावर एक्स आ गया, दोनों में पावर क्या आ जाएगी आगे आ जाएगी, तो वाई आगे आ गया वाई लॉग कोस एक्स, एक्स आगे आ जाएगा लॉग कोस वाई, ठीक है, अब इधर ये दोनों गुणा में कौन कौन सा y और log cos x, x और log cos x,
तो वाई सेम लॉग का करेंगे इधर वन अपॉन कोस एक्स, फिर कोस का करेंगे माइनस साइन एक्स प्लस लॉग कोस एक्स, अब सेम वाई का करेंगे तो डी वाई डी एक्स, ठीक है इक्वल में इधर करेंगे इक्वल में एक्स सेम लॉग का करेंगे वन अपॉन कोस वाई का करेंगे माइनस साइन वाई, और वाई का करेंगे डी वाई डी एक्स। आपको स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक का समझ आना चाहिए, आपने एक्स को सेम रख लिया, इसका करना है, इसका जैसे करते हैं हम वो कॉन्सेप्ट लिखते जाएं। अब आपने प्लस लॉग कोस वाई सेम और एक्स का करेंगे तो वन आएगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, जिसका जिसके सापेक्ष करेंगे वो वहाँ पे वो वन आ जाता है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे वाई माइनस टेन एक्स प्लस लॉग कोस एक्स गुणा में डी वाई डी एक्स इक्वल, ये बन गया माइनस एक्स टेन वाई, ठीक है माइनस एक्स टेन वाई गुणा में डी वाई डी एक्स प्लस लॉग कोस वाई। तो इसमें और इसमें डी वाई डी एक्स है तो इसको एक तरफ ले आती है, ये जब माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर क्या रहेगा डी वाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, जब यहाँ से कॉमन लिया तो ये रहेगा लॉग कोस एक्स, ये इधर माइनस से इधर आके प्लस हो गया, इसमें से फिर डी वाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बच गया एक्स टेन वाई इक्वल में क्या रह गया लॉग कोस वाई, और ये जो इधर पड़ा था माइनस के वाई टेन एक्स, ये उधर जाके किसके हो गए प्लस के प्लस वाई टेन एक्स। अब जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा बाग में, क्योंकि हमें निकालना है सिर्फ डी वाई डी एक्स, तो ये बाग में चला जाएगा लॉग कोस वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन लॉग कोस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। तो इसको किसी से काट मत देना, ठीक है ये किससे कटेगा नहीं, ये इसका कोण है कोस एक्स, इसका कोण है कोस वाई, इस टाइप से आप इनको अवकलन करेंगे। एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वाई, तो यहाँ भी आप लॉग लेंगे तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, कुछ ज़रूरी नहीं है लॉग लेना, बट अगर ले लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है दोनों तरफ लॉग लेने पर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ क्वेश्चन में लॉग लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम ले लेंगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब इसमें ईजी कैसे हो जाएगा, जब आपने यहाँ पर लॉग लिया इस साइड और लॉग ई एक्स माइनस वाई, इस लॉग के जो आपने लॉग लेते हैं इसका आधार हमेशा e होता है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि यदि लॉग का ये आधार और यहाँ का जो कोण है ये दोनों समान होते हैं तो इसका मान कितना आता है एक आता है, जो आप लॉग ले रहे हैं उसका आधार e है, और अगर ये भी e आ जाए तो ये क्या होगा वन हो जाएगा। अब ये दोनों गुणा में है तो गुणा वाला नियम क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई अलग अलग हो गए, बराबर पावर आगे आ जाएगी एक्स माइनस वाई आगे आ गया, लॉग इसका आधार भी ई है और कोण भी ई है तो मतलब इसका रिजल्ट क्या हो गया वन हो गया, इसका रिजल्ट क्या हो गया वन, तो इसका तो कोई रोल रहा ही नहीं, इसको यहाँ से इरेज कर दिया जाए, या एक बार आप लिखना चाहते हो लिख लो, इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं हम एक्स माइनस वाई रह गए यहाँ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब ये प्लस का है और ये इधर भी प्लस माइनस में ही है, ठीक है एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब स्टूडेंट जब हम इसका अवकलन करेंगे तो प्लस माइनस में होते हैं तो सभी का अलग अलग करते हैं, इधर अलग उधर अलग, लॉग एक्स का वन बाई एक्स प्लस, अब जब आप एक्स का करोगे तो वन आएगा लॉग प्लस आ गया, लॉग का करेंगे वन अपॉन वाई, वाई का करेंगे तो डी वाई डी एक्स इक्वल, एक्स का करेंगे वन माइनस वाई का करेंगे डी वाई डी एक्स, तो यहाँ भी डी वाई डी एक्स है यहाँ भी है तो इसको तो एक तरफ कर लेते हैं और बाकियों को उधर भेज देते हैं, वन बाई एक्स उधर चला जाएगा डी वाई डी एक्स इधर आ जाएगा, वन अपॉन वाई गुणा में डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इक्वल वन माइनस वन बाई एक्स, ठीक है तो यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या रह गया वन अपॉन वाई प्लस वन, यहाँ लघुत्तम ले लेंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यहाँ भी लघुत्तम ले लेंगे क्या रह जाएगा ये
वाई प्लस वन अपॉन वाई इक्वल एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब इसको जो भाग में वो गुणा में और जो गुणा में वो भाग में, वाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाई प्लस वन। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल डी वाई डी एक्स आ गया। ठीक है, सिक्सटीन क्वेश्चन है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन वन प्लस एक्स स्क्वेयर वन प्लस एक्स की पावर फोर और वन प्लस एक्स की पावर एट है, तो इस प्रदत्त फलन का यानी जो दिया गया फलन है इसका अवकलज कीजिए, यानी अवकलन करना है, इसका अवकलज करना है, और इस प्रकार एफ डैश वन को ज्ञात कीजिए, यानी ये एफ डैश वन है जो हमें ज्ञात करना है। तो एफ डैश का मतलब हमने आपको 11th क्लास में बताया था मैंने कि एफ डैश का मतलब है कि उसका अवकलन करना, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो हम पहले इसका अवकलन निकालेंगे, यानी इसका एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डैश का मतलब अवकलन। लेकिन अगर हम यहाँ पर अवकलन करेंगे तो गुणा में है, हमने इसका कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। जब ये तीन चार से ज़्यादा गुणा में आ गए तो हम यहाँ पर लॉग का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉग, तो दोनों साइड हम अगर लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस वन वन प्लस एक्स स्क्वेयर वन प्लस एक्स की पावर फोर वन प्लस एक्स की पावर एट। ये आ गया लॉग का कोण। अब जब ये सभी गुणा में है तो इसका मतलब ये सभी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी प्लस में आ जाएंगे, लॉग एक्स प्लस वन प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग वन प्लस एक्स की पावर फोर प्लस लॉग वन प्लस एक्स की पावर एट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो स्टार्टिंग से यहाँ से अवकलन करेंगे, तो लॉग का करेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन एफ एक्स। अब एफ एक्स का अवकलन का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। अगर हम वाई का अवकलन करते हैं उसको वाई डैश भी कह सकते हैं या उसको डी वाई डी एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अगर एफ डैश का करते हैं तो डी वाई डी एक्स एफ एक्स का मतलब होता है, इसको हम शॉर्ट में एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डैश लगा इसका मतलब वो क्या है, उसका अवकलन है। इसको हम एक और रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं वाई वन के नाम से, अगर वाई वन है उसका मतलब अवकलन से ही है। तो पहले लॉग का हो गया फिर एफ एक्स का हो गया, तो एफ एक्स का क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स गुणा में चलता है इक्वल, लॉग का करेंगे वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसी के गुणा में अगर हम एक्स प्लस वन का करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का वन और वन का जीरो, तो ये क्या आ गया, वन प्लस जीरो आ जाएगा। छोड़ दें इसको, लॉग का वन प्लस एक्स स्क्वेयर गुणा में वन प्लस एक्स स्क्वेयर अभी करेंगे और वन का करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, और एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो टू एक्स, जीरो प्लस टू एक्स टू एक्स प्लस लॉग का फिर वन का जीरो एक्स की पावर फोर का फोर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एट एट एक्स की इसका करेंगे तो एट एक्स की पावर सेवन। ठीक है, ये गुणा में है वन इंटू एट, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, इधर गुणा में जाएगा तो एफ एक्स ब्रैकेट में ये सारा ब्रैकेट में आ जाएगा, एक्स प्लस वन टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वेयर फोर एक्स की पावर थ्री वन प्लस एक्स की पावर फोर एट एक्स की पावर सेवन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, एफ डैश वन निकालना, तो एफ डैश एक्स निकाल लिया, यानी अब एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स की जगह बराबर वन पर, एक्स बराबर वन रखने पर, एक्स बराबर वन रखने पर तो क्या आ जाएगा, ये एफ डैश वन बराबर एफ वन, यहाँ एक्स की जगह वन रख दिया, यहाँ वन रखेंगे तो ये वन अपॉन टू बन जाएगा, वन 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 प्लस वन, ये आ गया टू अपॉन टू प्लस फोर अपॉन टू एट अपॉन टू, ये बन जाएगा सभी का उत्तम टू है, तो ऊपर वाले को जोड़ के दो से भाग कर देंगे, दो और एक तीन और चार सात और आठ पंद्रह, तो ये हो गया पंद्रह बटे दो। एफ वन का मान हमने अभी तक निकाला नहीं है, तो एफ वन का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, एक्स की जगह पर वन रखेंगे तो कितना आएगा, दो 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 दो, कितना आ गया
दो की पावर चार यानी 16। तो एफ वन का मान कितना आ गया, 16 आ गया। 16 इंटू 15 बटे 2, ये से कट गया 8, 15 आठी 120, तो ये आ गया 120। किसका मान, एफ डैश वन का मान आ गया, एफ डैश वन का मान आ गया। पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, फिर आप वन रखेंगे उसके अंदर। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए हम इसमें लॉग ले लेते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल में है, गुणा में है तीन चार बार, ठीक है ना, इसलिए इसलिए हमने लॉग लेने पर ये ईजी हो गया हमारे लिए, सभी अलग अलग हो गए। अब इसका अवकलन करना ईजी हो गया, पहले लॉग का होगा फिर एफ एक्स का हो गया एफ डैश एक्स, ऐसे इधर होगा। आपको प्रोसीजर याद रखना है कि अवकलन कैसे होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक हमें अवकलन करना है। सोलहवें के बाद क्वेश्चन आ जाता है सत्रहवां। सत्रहवां क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वेयर माइनस एफ एक्स प्लस 8, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इसको आप किसी के बराबर भी मान सकते हैं, चाहे आप एफ एक्स कहें चाहे इसको आप वाई के बराबर माने। इस क्वेश्चन को हमें तीन तरीके से हल करना है। पहला तरीका क्या है, कहता कि गुणनफल नियम का प्रयोग करके, यानी इसका गुणनफल जो नियम है उसका प्रयोग करना है। और गुणनफल नियम कौन सा था, यू इंटू वी, यानी जो गुणा वाला नियम है, यू इंटू वी वाले नियम से हमें वाई के बराबर मान लिया, ठीक है। इसका अवकलन करना है, पहला तो ये टाइप है, इसके तीन प्रकार से करना है इसको, पहला गुणन नियम से, दूसरा इन दोनों का गुणा करके एक बहुपद बनाकर फिर उसका अवकलन करना है, ठीक है, और तीसरा जो है वो है लॉग लेकर लघुगुणकीय अवकलन विधि से, लघुगुणकीय अवकलन विधि से। तो पहले तो u इंटू वी से करना है, तो कैसे करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स, ये दो है एक सेम रहता है, इसको सेम रख लेते हैं। किसका अवकलन करेंगे, d बाई डी एक्स, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, इसका अवकलन करेंगे, प्लस अब दूसरा सेम, यानी ये सेम रह गया। अब ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्लस माइनस में वैल्यू ज़्यादा है, सभी प्लस में है तो ज़्यादा वैल्यू होगी ना, इसके गुणा में डी बाई डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8 का, हो गया एक सेम दूसरे का अवकलन, ये तो एज इट इज़ क्योंकि इसका कुछ करना ही नहीं हमें। अब अवकलन किसका करना है, इसका, प्लस में है तो तीनों का अलग अलग होगा, एक्स क्यूब का पावर आगे पावर एक कम हो जाएगी 3x स्क्वेयर, 7 कॉमन आ जाए बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर राशि है, और एक्स का करेंगे तो 1 और 9 का करेंगे तो 0 क्योंकि अचर है वो, प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वेयर का करेंगे 2x माइनस 5 कॉन्स्टेंट बाहर है, एक्स का 1 और 8 का 0 तो 2x माइनस 5। अगर आप पूरा फॉर्मेशन में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 0, यहाँ भी 2 इंटू 1 प्लस 0 क्योंकि 8 का 0 हो जाएगा ना, अचर राशि है x के सापेक्ष कर रहे हैं। ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8, यहाँ रह गया 3x स्क्वेयर प्लस 7 प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, यहाँ रह गया 2x माइनस 5। इसके आगे का क्वेश्चन आप करेंगे कैसे, यानी इन दोनों का गुणा करके आप फाइनल में जोड़ लेंगे। आपको पता है कि इन दोनों का गुणा कैसे करते हैं, और इन दोनों का गुणा करने के बाद इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करेंगे। उसके बाद सेकंड नियम, सेकंड किस तरीके से करना है, इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, गुणा करके एक बहुपद बनाकर करें, यानी पहले इनका गुणा करें, यानी ये y के बराबर जो है इसका गुणा करें, तो x की पावर 2 का करेंगे, x की पावर 3 से तो x की पावर 5, एक्स के करेंगे तो 7x क्यूब, एक्स स्क्र ऐसे करेंगे 9x स्क्र, माइनस 5x का इससे करेंगे माइनस 5x की पावर 4, माइनस 5x का इससे करेंगे माइनस 35x स्क्र, माइनस 5x का 9x से करेंगे, 9 से करेंगे माइनस 45x। अब 8 का करेंगे सभी से तो प्लस 8x क्यूब प्लस 56x 8 72, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं, पहले वगैरह लिख लेते हैं जो जुड़ते हैं, x की पावर और x पावर सेम,
माइनस एक्स की पावर फोर, सॉरी 5x की पावर 4, 7x क्यूब, ये कर लिया हमने इसको एक बार का, थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, ये और ये जुड़ जाएंगे, ये हो गए 15x की क्यूब, ठीक है। उसके बाद ये हो गए प्लस में 9x2 और ये माइनस के, तो ये रह गए 26x2, ये हो गए माइनस के 45 और 56, 6 और 5 11, प्लस के 11x प्लस में 72। तो ये बन गया आपका एक बहुपद, ठीक है। अब हम इसका अवकलन करेंगे, यानी dy/dx ज्ञात करेंगे। तो सभी प्लस माइनस में है, यानी सभी का अलग अलग, x की पावर का पावर आगे, एक पावर कम, माइनस 5 अचर है बाहर, x की पावर 4 का करेंगे 4x क्यूब, 15 अचर है बाहर, एक्स क्यूब का 3x2, 26 बाहर x2 का 2x, प्लस 11 बाहर x का 1, और 72 अचर है इसमें, ना तो कोई x है ना कुछ और है, तो सीधा ही 0, ठीक है। अब इनका आप गुणा कर लेंगे, जैसे माइनस 20x क्यूब, 45x2, माइनस 52x, प्लस 11, तो ये आ गया आपका dy/dx। जो फर्स्ट पार्ट में आपने किया इसी क्वेश्चन के, ये और दोनों आंसर सेम ही आएंगे, क्योंकि अवकलन कैसे भी करें आपका अवकलन का रिजल्ट बिल्कुल सेम ही आता है। अब हम इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं, सो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट में क्या गया है, लघुगुणक के नियम से, यानी लॉग लेकर, लॉग लेकर करना आपको। तो y माना हुआ हमने, तो इधर log log x square, देखो log लेंगे तो गुणा में है, अलग अलग हो जाएंगे, log x square माइनस 5x प्लस 8 प्लस log x cube प्लस 7x प्लस 9, दोनों को log लेंगे दोनों तरफ, तो इधर तो y है, log y हो गया, इधर log pq गुणा वाला नियम लग जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएंगे। अब हम अवकलन करेंगे, log का करेंगे 1/y, y का करेंगे dy/dx, इक्वल log का करेंगे 1/x2 - 5x प्लस 8, log का हो गया लेकिन इसका तो नहीं हुआ, इसी के गुणा में हम इसका करेंगे 2x - 5x प्लस log, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, सभी का हो गया, log का करेंगे पहले, ये log का हो गया, इसका करेंगे इसके गुणा में 3x2 + 7। अब 1/y गुणा में dy/dx इक्वल, यहाँ लेंगे इन दोनों का लघुत्तम, लघुत्तम लेने पर क्या बन जाएगा, ये x2 - 5x + 8, x3 + 7x + 9, लघुत्तम लेने पर ये इससे गुणा हो जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाता ना, तो ये हो गया 2x - 5 के साथ गुणा हो गया x3 + 7x + 9 का, प्लस 3x2 - 7 के साथ किसका गुणा हो गया, इसका हो जाएगा, तो यानी x2 - 5x + 8 आ गया। y यहाँ से भाग में से गुणा में चला जाएगा, इसको ब्रैकेट में रख देंगे। अच्छा, y का मान क्या है, ये है और ये इसके भाग में भी है सेम, तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी इसको y कह लिया हमने, y है ये आपस में कट गए, बचा क्या है, ये इनका हम गुणा करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये तीनों रिजल्ट आपके सेम ही आएंगे, ठीक है।